तो देखो भाई लोगों का फेस्टिव सीजन चल रहा है इंडिया में और दिवाली 1-2 हफ्तों के अंदर आ जाएगी और ऐसे में बहुत सारे लोग न्यू कारों को परचेस कर लेते हैं। इंडिया में कारों का सेल सबसे ज्यादा होता है फेस्टिव सीजन के दौरान, बहुत सारे लोग न्यू कारों को परचेस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड कारों के साथ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 कारों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ जिनको आप परचेस कर सकते हैं अंडर बजट ऑफ 7 लाख रुपीज। अगर आपका बजट 7 लाख रुपए के अंदर है और आपको चाहिए एक अच्छी कार जिसका लुक अच्छा खासा हो, माइलेज अच्छा खासा हो, प्राइसिंग कम हो, ऐसी कार अगर आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेरिएंट वाइज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी 7 लाख के बजट में आपको कौन से वेरिएंट के साथ जाना चाहिए, उस वेरिएंट को परचेस करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, माइलेज आपको कितना मिलेगा, सब कुछ चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। जो सबसे पहली कार आती है जिसको आप इस दिवाली खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 7 लाख रुपीज, वो है टाटा की टिगोर। ये एक एंट्री लेवल सीडान कार है। इस कार को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसके अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन और कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाएगा। सीएनजी किट वाले मॉडल को परचेस करने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इसके पेट्रोल मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि पेट्रोल इंजन के साथ टिगोर लगभग 19 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और सीएनजी किट के साथ 26 से लेकर 28 किलोमीटर पर केज का माइलेज दे देती है। लेकिन रिसेंटली मैंने बहुत सारे ओनरशिप रिव्यू वीडियोस देखे थे जहां पर बहुत सारे लोगों को माइलेज मिला था 31 का, कुछ लोगों को 32 का और कुछ लोगों को 33 किलोमीटर पर केज का भी माइलेज मिला था। तो यहां पर आपको टिगोर सीएनजी के साथ अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है, लेकिन ये माइलेज आपको सर्टन कंडीशन के अंदर मिल जाएगा, यानी जब आप इसको हाईवे पर चलाओगे तो तभी उस केस में आपको 30 के आसपास माइलेज मिलने वाला है टिगोर सीएनजी के साथ। आपको सीएनजी मॉडल ही लेना है तो आप इसका एक्सएम मॉडल खरीद सकते हैं। इस मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,31,000 रुपीज तक चली जाती है। आपकी सिटी के हिसाब से ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, यहाँ पर आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 7 लाख के आसपास आपका बजट है, तो आप टाटा टिगोर के पेट्रोल इंजन के साथ जा सकते हो। आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हो जो कि है एक्सी, और इस बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 7 लाख रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आपको 7 लाख के बजट में टाटा टिगोर का बेस मॉडल मिल जाएगा पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलने वाली है, यहाँ पर आपको टाटा का लोहा मिलने वाला है और इस कार को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग मिले हैं। तो टाटा की टिगोर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको आप इस दिवाली खरीद सकते हैं वो है रेनॉल्ट की काइगर। ये एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसको भी सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसका लुक आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसका इंटीरियर भी बढ़िया है और इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। रेनॉल्ट काइगर के अंदर आज के डेट में 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि लगभग 98 BHP की पावर आउटपुट निकाल देता है। इसके अलावा ये कार लगभग 17 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज एआरआई ने क्लेम किया है, इन रियलिटी माइलेज आपको कम या फिर ज्यादा मिल सकता है। लेकिन 7 लाख के बजट में आप रेनॉल्ट काइगर का बेस मॉडल खरीद सकते हैं और इस मॉडल को परचेस करने के लिए आपको 7,18,000 रुपीज के आसपास देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर आपको आपका स्लाइटली बजट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलने वाली है, लुक मिलने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मिलने वाली है जो कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको आप इस दिवाली खरीद सकते हैं वो है न्यू जनरेशन अल्टो K10। अल्टो को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और इसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है और लास्ट मंथ कार सेल्स रिपोर्ट में अल्टो K10 नंबर 1 पोजीशन पर आई थी। तो यहाँ पर अल्टो K10 का न्यू मॉडल काफी ज्यादा बिक रहा है इंडिया में, तो इस दिवाली आप अल्टो K10 को जरूर कंसिडर कर सकते हैं और रिसेंटली ही इसको अपडेट मिल चुका है। अब इसके अंदर आपको अपडेटेड 1.0 लीटर के सीरीज वाला ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि लगभग 65 BHP की पावर आउटपुट और 89 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक पावर आउटपुट मिल जाएगी अल्टो K10 के अंदर। लेकिन अल्टो K10 का जो न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है वो लगभग 24 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। तो यहाँ पर माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और 7 लाख के बजट में आप अल्टो K10 का टॉप मॉडल आराम से खरीद सकते हैं। इसका टॉप मॉडल है VXi+ जो कि आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,76,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। और अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेना है तो आप नीचे वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन को लेने के लिए आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप अल्टो K10 को जरूर कंसिडर कर सकते हैं और आज के डेट में ये कार इंडिया में काफी ज्यादा बिक रही है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको आप पिक कर सकते हैं इस दिवाली वो है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। इसको रिसेंटली अपडेट मिल चुका है, इसके एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं
है। इंटीरियर में भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और न्यू एस्प्रेसो के अंदर आपको अपडेटेड 1.0 लीटर ड्यूल जेट के सीरीज वाला पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। ये भी लगभग उतनी ही पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है जितनी की अल्टो K10, लेकिन यहाँ पर एस्प्रेसो के अंदर आपको 19 से लेकर 22 का माइलेज मिलने वाला है। 7 लाख के बजट में आप एस्प्रेसो का टॉप मॉडल खरीद सकते हैं आराम से, जो कि है VXi+, और ये मॉडल आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 6,95,000 रुपीज, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, यानी यहाँ पर आपको लगभग 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे एस्प्रेसो के टॉप मॉडल को खरीदने के लिए। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो अल्टो या फिर एस्प्रेसो को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आप एस्प्रेसो को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कार की हाइट अच्छी खासी है, इसके अंदर आपको स्पेसिंग ठीक ठाक मिल जाएगी, इसका लुक भी बढ़िया है। हालांकि इसके अंदर आपको सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलेगी, अल्टो के अंदर भी सेफ्टी कम है, लेकिन इन दोनों में से एक कार को अगर आपको पिक करना है तो मैं एस्प्रेसो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। जो नेक्स्ट कार आती है जिसको आप इस दिवाली खरीद सकते हैं वो है न्यू सेलेरियो। सेलेरियो को भी रिसेंटली अपडेट मिल चुका है, लेकिन इसके सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। और सेलेरियो भी काफी बढ़िया कार है, इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसका भी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आज के डेट में सेलेरियो के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन और कंपनी फिटेड CNG किट मिल जाएगा। CNG के साथ ये लगभग 36 का माइलेज दे देती है। अगर 7 लाख के बजट में आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप सेलेरियो का CNG मॉडल कंसिडर कर सकते हो, और आप इसका VXi मॉडल खरीद सकते हो। VXi मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7,48,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आपको पेट्रोल मॉडल लेना है तो आप इसका ZXi वेरिएंट परचेस कर सकते हो। ZXi मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,88,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर सेलेरियो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अगर आप CNG मॉडल परचेस करना चाहते हो तो आप सेलेरियो का CNG वेरिएंट खरीद सकते हो, जहां पर आपको 36 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है आराम से। वही जो 6 नंबर की कार आती है जिसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है, वो है टाटा की पंच। टाटा की पंच एक माइक्रो SUV कार है। इस कार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आज के डेट में टाटा पंच के अंदर आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, और बहुत जल्दी इसका टर्बो पेट्रोल मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। कंपनी फिटेड CNG किट के साथ टाटा पंच इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, और इसके अंदर आपको डीजल इंजन मिल जाएगा, लेकिन वो मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे। जैसे ही टाटा पंच के वो बाकी के मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। टाटा पंच लगभग 18 से लेकर 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। 7 लाख के बजट में टाटा पंच का आप बेस मॉडल खरीद सकते हो जो कि है प्योर। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो आप इसके कैमो एडिशन मॉडल के साथ जा सकते हो, जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। कैमो एडिशन मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट होती है 7,33,000 रुपीज से। यहाँ पर कैमो एडिशन मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन टाटा पंच आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस कार को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसका लुक भी बढ़िया है, और इसका इंटीरियर डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो इसे दिवाली आप टाटा पंच को जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छी माइक्रो SUV कार ढूंढ रहे हैं। जो लास्ट कार आती है जिसको इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। स्विफ्ट को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इसे दिवाली, और इसका आप बेस मॉडल खरीद सकते हो। इसके बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आपको स्विफ्ट के अंदर CNG किट चाहिए तो आप इसका CNG मॉडल भी ले सकते हैं, और इसके VXi मॉडल के अंदर आपको कंपनी फिटेड CNG किट मिल जाएगा। CNG किट वाले मॉडल की ऑन रोड कीमत जाती है लगभग 8,73,000 रुपीज तक। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली आप स्विफ्ट के CNG मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। और ये 7 कारें थी जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं अगर आपको इस दिवाली एक अच्छी कार लेनी है। इन 7 कारों में से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आप टाटा पंच को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पंच पसंद नहीं है तो आप टाटा टिगोर के साथ जा सकते हैं, जो कि एक एंट्री लेवल सेडान कार है। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप टिगोर का CNG मॉडल भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओनरशिप रिव्यूज देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है उनको टाटा टिगोर CNG के अंदर 30 के ऊपर माइलेज मिला है। लेकिन यहां पर मैं 3rd नंबर पर रेनॉल्ट टाइगर को रखना चाहूंगा। इस कार को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, और 7 लाख के बजट में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा आराम से। और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस दिवाली एक नई कार लेनी है, तो डेफिनेटली उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।